दुकान के लिए खरीदारी करनी है तो इन कुछ सिंपल टिप्स से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो। खरीदारी उस टाइम पे कीजिए जब आपको पता हो कि चीज अभी सस्ते में मिलेगी, जैसे कि विंटर की शॉपिंग करनी हो तो विंटर खत्म होते टाइम जनवरी के महीने में करिए, जिससे आपको विंटर स्टॉक क्लियरेंस में बेस्ट डील्स मिल जाएगी। उसी तरह अगर दिवाली, रमजान या शादी का सीजन आ रहा हो तो चीजें पहले से स्टॉक कर ले, क्योंकि सीजन के टाइम पे चीजें महंगी हो जाती है। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेकर ही मार्केट जाए, जो टर्म मार्केट में चलती है वो ही यूज करे, जिससे कि पता चले आप कोई नए खरीदार नहीं है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का मार्केट रेट नहीं पता है तो दुकानदार के रेट बताने के बाद चौंकने की एक्टिंग करें, जिससे उसे लगे कि आपको रेट्स पता है तो डील कम में हो सकती है। दुकान छोड़ के जाने वाली एक्टिंग तो हमेशा ही काम आती है। अगर आप जाने लगेंगे तो दुकानदार खुद ही आपको कम प्राइस ऑफर कर देगा। ज्यादातर दुकानदार ज्यादा परचेसिंग में पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कम कर देता है, तो इस बारे में भी पूछ सकते हैं। दुकानदार से बोले कि आप उनके नए कस्टमर हैं और आप और भी चीजें खरीदना चाहेंगे। अगर वो पहले प्रोडक्ट का दाम ही इतना महंगा लगाएंगे तो आप बाकी कैसे खरीदेंगे। 2-3 दुकानों में प्राइस ट्राई करें, फिर जो बेस्ट डील दे वही से ले। इसी तरह और टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहें।